स्वागत है दोस्तों। जी हाँ, आज के वीडियो में मैं आपको ट्राइब को डायरेक्ट कैसे कांटेक्ट किया जा सकता है इसके रिलेटेड पूरा डिटेल में बताऊंगा। जैसे कि अगर आपके फ़ोन के अंदर नेटवर्क का इशू है तो वो भी फिक्स हो जाएगा, आपका इंटरनेट स्लो चलता है वो भी फिक्स हो जाएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा पबजी के पैशनेट हो, और आपको तो पता ही भाई पबजी का पिन का क्या इशू रहता है, ठीक है, वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और भी छोटी मोटी दिक्कतें, जैसे कभी आप किसी को कॉल करते हो तो कॉल ड्रॉप होता है, या और भी जितनी भी सर्विस से रिलेटेड, जितने भी आपके फ़ोन के रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है नेटवर्क के रिलेटेड, उन सारा का डिटेल आज इस वीडियो में समझेंगे, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिए, ट्राई क्या है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ऑल ओवर इंडिया जितने भी टेलीकॉम सर्विसेज हैं उन सबका बोलते ना हैंडल करने के लिए जो एक ऑर्गेनाइजेशन जो बनाई गई है गवर्नमेंट की तरफ से, वो है ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो जैसे ही आप नीचे दिए गए हुए लिंक पे क्लिक करेंगे ना, आप कुछ ऐसे पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये कंज्यूमर कंप्लेंट्स का है और यहाँ पर जितने भी हम कंप्लेंट्स डालते हैं उनका सोल्यूशन मिलता ही मिलता है, ठीक है। ये ट्राइक द्वारा दिया गया बहुत अच्छा तरीका है, जिससे जितने भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं उनको, जितने भी बोलते हैं ना लोगों की कंप्लेंट्स रहती है, जो बोलते हैं ना सर्विस प्रोवाइडर्स नहीं सुनते हैं, ठीक है, तो वो सारी की सारी कंप्लेंट्स का जवाब देने के लिए ये ट्राई ने एक छोटा सा बोलते हैं ना फाउंडेशन खड़ा किया है, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, इनके साथ डायरेक्ट वेबसाइट रिलेटेड भी है काफ़ी सारा अच्छा, बट मेरा जो प्रोवाइडेड एरिया जो मुझे काफ़ी बेटर लगा वो था यहाँ पर बी जो ऑप्शन है ना, यहाँ पर क्लिक कर ले, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद, ठीक है, यहाँ पर हम अथॉरिटी से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो पहले अपना सर्विस प्रोवाइडर सिलेक्ट कर लीजिए जो भी है, ठीक है। मेरे फ़ोन में फ़िलहाल वोडाफोन चल रहा है, मैं वोडाफोन रिलेटेड सर्च कर लूँगा, ठीक है। आप किस जगह पर रह रहे हो, मतलब जहाँ पर भी आप रह रहे हो, ठीक है, उससे सिलेक्ट करना, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मुंबई, ठीक है। तो ये जो पेज आपको पॉपअप हुआ ना, यहीं पर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा जूम करके मैं दिखाता हूँ, ठीक है। एप्लीकेंट आईडी, ठीक है, ईमेल आईडी, ये जो दिख रहा है ये, इतना इसे कॉपी कर लेना है, ठीक है। ये एक्चुअल ऐसा आईडी है ना जो हर एक जगह का, हर एक लोकेशन का अलग अलग होता है, ठीक है, वो है। उसके बाद उसके आगे एड्रेस दिया गया हुआ है उस जगह का। अगर सपोज करो कि ऐसा हो गया कि आपको कॉन्टैक्ट ही करना है, अगर उस जगह पे जाके आपको पोस्ट पोस्ट द्वारा भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, नीचे नंबर दिया गया, इस नंबर से भी आप बात कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, बहुत कम लोगों को पता भी है कि ऐसी भी कोई वेबसाइट है। तो मेरा यही रहेगा कि आप जितना हो सके उतना शेयर करो लोगों को, ताकि पता चले कि जितने भी लोग नेटवर्क से बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं, मुझे पता है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो वो प्रॉब्लम बिल्कुल हट जाएगी। आपको बताना चाहूँगा, मैं बहुत टाइम से ना वोडाफोन से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा दिक्कत में था, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना ज़्यादा दिक्कत है नेटवर्क की। 4G नेटवर्क बोल के ना मुझे 100 KBPS से ऊपर कभी जाता ही नहीं था, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो मुझे बहुत ज़्यादा सर्च करना पड़ा कि भाई कैसे सॉल्व आउट हो सकता है। तो मेरा एक फ्रेंड था जो इसमें काम करता है, तो उसने मुझे हेल्प किया इस चीज़ के रिलेटेड। तो मैं बोला ठीक है, मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो भाई परेशान रहते हैं, अक्सर देखा गया है जियो के नेटवर्क में बहुत इशू रहता है, ठीक है। तो वैसे आप जियो का भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी ये है रिलायंस जियो, ठीक है, उसके बाद सपोज करो बाकी चीज़ें सेम रखते हैं, महाराष्ट्र मुंबई, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं, ये है जियो का कंप्लेन आईडी, ठीक है। अगर आप इस पे से जियो के रिलेटेड कोई भी कंप्लेंट डालते हैं ना, तो आपको उस चीज़ का रेमेडी 110% मिलेगा, ठीक है। इनका ईमेल का रिप्लाई एक दिन से भी कम टाइम में आ जाता है, ठीक है, क्योंकि ये बैठी हुई है हमें ही हेल्प करने के लिए, बट हम आधे से ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं है इसके लिए, वो इस चीज़ पे कंप्लेन ही नहीं कर पाते, ठीक है। ये है इनका ईमेल आईडी, इसे डायरेक्ट कॉपी करना है, ओके। ईमेल कैसे भेजना है, ये जो प्लस का ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है, ओके। यहाँ पर जो आपने कॉपी किया था उस एड्रेस को यहाँ पर पेस्ट करना है, ठीक है, अभी जियो रिलेटेड है तो ऐसा पेस्ट करना है। अब सबसे बड़ी चीज़ कि भाई सब्जेक्ट में क्या लिखना है और यहाँ डिटेल्स में क्या देना है, ठीक है, उसके रिलेटेड वीडियो को आगे देखिए, देखो थोड़ा लंबा हो जाएगा बट ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। मैंने नीचे ना ये जो भी मैंने यहाँ पर लिखा है ना, ये सारों को मैंने नीचे पेस्ट कर दिया है, ठीक है। तो अगर आपको वो चीज़ों को कॉपी पेस्ट करना है ना, तो आपको क्रोम में जाकर के YouTube ओपन करना है, ठीक है। उसके बाद मेरा चैनल सर्च करने के बाद ये वाली वीडियो पे आने के बाद फिर ही आप इस चीज़ को कॉपी कर सकते हैं, क्योंकि जब अपन ये यूज़ करते हैं ना, एप्लीकेशन यूज़ करते हैं ना YouTube का, उसमें कॉपी का ऑप्शन, कॉपी या सिलेक्ट का ऑप्शन ही नहीं दिया रहता है, ठीक है। तो फिर ये चीज़ों को सिलेक्ट करके वहाँ पे पेस्ट, अभी जो सब्जेक्ट का है ना, ये सबसे ऊपर वाला जो था ना जहाँ सब्जेक्ट लिखना है, वो आपको ये इतना कॉपी करके, ठीक है, इतना कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट करना है। आपका रिलेटेड जो भी कंप्लेन रहेगा, अभी के लिए फिलहाल समझो इंटरनेट इशू है, तो आपको वो चीज़ों के रिलेटेड डायरेक्ट स्टेटमेंट देना। उसके बाद रिस्पेक्टेड सर मैडम, ठीक है, आई एम द रेसिडेंट ऑफ एरिया, जो भी आपका एरिया है, अगर सपोज करो मैं अंधेरी में रहता हूँ तो अंधेरी में लिख दूंगा यहाँ पर, अंधेरी,
फिर मेरा नाम, उसके बाद मेरा नाम, फिर मेरा पूरा एड्रेस, मेरी अगर आप बिल्डिंग में रहते हो तो बिल्डिंग का जो भी डिटेल्ड एड्रेस है वो एड्रेस आपको यहाँ पे मेंशन करना, ठीक है। ये जो भी ये जो एरिया दिया गया ना ब्रैकेट के अंदर, इन सारों में आपको वही चीज़ें फिल करनी है, ठीक है। फिर सर्विस प्रोवाइडर नेम, आपका जो भी सर्विस प्रोवाइडर है, जियो, वोडाफोन या फिर एयरटेल ले लो, जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है। उसके बाद ये सब को आपको चेंज करना है, फिल करना है, बाकी सारी की सारी डिटेल सेम रखनी है अगर आपका इंटरनेट रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगा, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि आप पढ़ सकते हो कि भाई बहुत सारा मुझे इंटरनेट इशू है मेरे लोकेलिटी में, ओके। अब जहाँ पर वो रहता है, मैंने यहाँ पर कैसा लिखा है, जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ पर 1000 से भी ज़्यादा यूजर्स है 1 किलोमीटर के अंदर, तो सारे लोगों का यही दिक्कत है। बट बोलते हैं ना, मैं ऐसा बताना चाह रहा हूँ कि ट्राइब को ऐसा लगे कि भाई ये जेन्युइन प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ऐसे रिलेटेड थोड़ा ज़्यादा डिटेल डालने की कोशिश करो कि भाई मैं जहाँ पर रह रहा हूँ वहाँ पे बहुत सारे लोग और भी है, सब परेशान है, सबने ट्राई किया कॉन्टैक्ट करने से, बट जो भी सर्विस प्रोवाइडर है वो बराबर हेल्प प्रोवाइड कर नहीं रहे, तो इसके लिए हम चाह रहे हैं कि कंप्लेन रजिस्टर करें उनके अगेंस्ट, ठीक है। मैं जनरली बता रहा हूँ, ये बहुत अच्छा तरीका है, आपको कहीं पे कोई भी वीडियो में तरीका पता ही नहीं चलेगा कि ये जो तरीका है ना, ये सर्विस प्रोवाइडर्स यूज़ करते हैं ट्राइब को कंप्लेन देने के लिए, ठीक है, बाद में उनका काम होता है, ठीक है। तो ये तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, अगर पसंद आएगा तो वीडियो को अब भी लाइक करना, ठीक है, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। उसके बाद आपको ये चीज़ें सेम लिखनी है, थैंकिंग यू फॉर योर कॉपरेशन, मतलब उनकी हेल्प के लिए आपने ये किया, ठीक है, ये मैटर में लुक करने के लिए, ठीक है। उसके बाद नीचे ये मेन चीज़ है, ठीक है, आपको आपका नाम लिखना है, लोकेशन डालना है, जैसे अंधेरी है तो अंधेरी आप डाल दीजिए, फिर सर्विस प्रोवाइडर नेम इस ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। इतनी सारी डिटेल फिल करने के बाद आपको ये मेल भेजना नहीं है, समझे, मेल भेजना नहीं है, उसके अंदर और क्या ऐड करना है, ठीक है। उसके साथ आपको फोटोज ऐड करनी है, ठीक है, कौन सी फोटोज ऐड करनी है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। वीडियो में बने रहिए, बहुत अच्छा चल रहा है, मुझे पता है वीडियो, ठीक है, बट हेल्प पूरी होने वाली है आपकी, इतना अगर आपने कर लिया ना 110% एक हफ्ते के अंदर, अगर आपका इंटरनेट नहीं सुधरा, नीचे कमेंट बॉक्स ओपन रहेंगे, तुरंत लिख के जाना भाई तेरा आइडिया बहुत गंदा था, कुछ काम का नहीं आया, ठीक है, ओके। स्पीड टेस्ट करके डालना है उसके बाद, ठीक है, यहाँ पर स्पीड टेस्ट करके डालना है, उसके बाद यहाँ पर रन स्पीड टेस्ट करना है, ओके। तो जो भी आपका रहेगा वो इसमें दिखा दिया जाएगा, ठीक है। ये है मेरी स्पीड, देख रहे हो, 10 मेगाबाइट्स पर सेकंड, 11, ये मेरा इंटरनेट का स्पीड है। ऐसा बिल्कुल नहीं था पहले, 100 kbps, उससे भी कम दिखाता था। मुझे पता है आपके पास ऐसी बहुत सारी दिक्कतें रहेंगी, यहाँ पर इससे भी बेकार बेकार दिखाएगा, ठीक है। अभी इतना करने के बाद बोलते ना इतना अच्छा सुधरा है, तो मैं यही रहेगा कि भाई आप भी ट्राई करो 110%, ये वर्किंग है, दिखा रहे हो, ये देखो, ये है मेरा चेक, ये है अपलोड, एक सेकेंड, हाँ ये देखिए, ये है 11.4 Mbps का डाउनलोड स्पीड है और 7.42 का Mbps का अपलोड स्पीड है, ठीक है। आपको एक स्क्रीनशॉट लेना है, ओके, इसका एक स्क्रीनशॉट लेके इसे सेव कर लीजिए, ओके, सेव कर लीजिए। उसके बाद क्या करना है आपको, ठीक है, उसके बाद ये आपको वहाँ पर अटैच करना है, ठीक है, वो अटैच वाला ऑप्शन आता है ना ऊपर, उसमें से करके इसको अटैच करना है वहाँ पर। इसके साथ आप कोई भी एक एप्लीकेशन ले लो, जैसे कि आप YouTube ओपन करते, पता है वो बीच में घूमते रहता है, गोल 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 लोडिंग होते रहता है, ठीक है। तो उसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो दिखाने के लिए कि भाई देखो इतना टाइम से मैं ट्राई कर रहा हूँ बट नहीं हो रहा है, ठीक है, ऐसे कर लो। या फिर आप कोई बोलते ना Facebook पे, जैसे आप लॉग इन करते, पता वो Facebook का ऐप आता है और फिर वो नीचे डॉट डॉट चलते रहता, तो वैसा एक दिखा दो कि भाई इंटरनेट एक्चुअली जनरली बहुत ज़्यादा वीक चल रहा है, ठीक है। ऐसे आपको चीज़ें उनको प्रूफ के लिए दिखानी है, ठीक है। इतना सब अगर आप करके मेल भेजते हो ना, विद इन 24 आवर्स आपको जरूर रिप्लाई आएगा, ठीक है। जब आप उनको मेल करते हो ना, तो आपके बाद उसके बाद सामने से आपको कुछ ऐसा मेल आएगा, इशू सक्सेसफुली सबमिटेड, ये नाम हाय, फिर ऐसा वोडाफोन इशू करके, फिर ठीक है। उसके बाद वो इन जेन्युइनली आपकी सारी की सारी दिक्कतों के रिलेटेड वो ये करते हैं, ठीक है। और भी आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये मैंने कंप्लेन जो रजिस्टर की थी स्लो इंटरनेट का, तो उन्होंने उसके बाद मतलब उनका रिप्लाई आया था ऐसा कि भाई ऐसा ऐसा चीज़ है, आप ट्राई कर लो, ठीक है, होता रहेगा तो ठीक है, बट इतनी चीज़ें एक बार आप अगर मेल कर दोगे ना तो वो उनका हो जाता है, ठीक है। वो सेटिंग्स के रिलेटेड पूरा डिटेल भेजा, फिर उसके बाद जेन्युइनली उन्होंने सारी की सारी चीज़ें करके गया। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा तरीका है, अगर आपका इंटरनेट नहीं चल रहा हो तो आपको पूरी तरह से डिटेल्ड मिल जाएगा। इस चीज़ को ट्राई कर रहे हो ना तो नीचे ज़रूर कमेंट करना कि भाई मैं ये चीज़ ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगेगा कि भाई आप तक ये वीडियो पहुँची है, आपको ये वीडियो के रिलेटेड सारी चीज़ें समझ में आई है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई रहेगी। अगर वीडियो ज़रा से भी पसंद आती है ना
तो एक लाइक करना, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ये पूरी तरह से टेक्निकल चीज़ों का पूरा भंडार है, टेक्निकल नहीं बाकी और कोई भी चीज़ें ले लो उन सारे के रिलेटेड पूरा डिटेल्ड आपको मिलेगा, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई वीडियो में कहीं भी कोई भी दिक्कत थी, प्रॉब्लम थी, तो नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है, आप बेझिझक कमेंट कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई आपको और भी ज़्यादा दिक्कत होगी तो मेरे नीचे ईमेल आईडी मेंशन की गई हुई है, इंस्टाग्राम आईडी, आप मुझे कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तभी तक के लिए जय हिंद।